बस मेहनत मजदूरी करके ही पढ़ाया। मैं भी करती है और ये भी करती है। मकान की स्थिति जैसी भी आपके सामने है, बारिश में सब बच्चे इकट्ठे हो जाए, एक चारपाई पे बैठ जाए, भैया रात काटनी बहुत कड़ी पड़ेगी। वो नहीं मानो, बोलो नहीं मैं तो आईएएस, बचपन से ही आईएएस की तमन्ना नहीं होगी। जरा इस घर को गौर से देखिए, बुलंदशहर के छोटे से गांव का एक घर है। जमीन पर बर्तन रखे हैं, वहीं पास में चूल्हा है। गैस भरवाने के पैसे नहीं, इसीलिए चूल्हे पर खाना बनता है। एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े ठूसे हैं। दीवार पर कई सारे भगवान के फोटो लगे हैं। सामने दो तीन भैंस बंधी है, एक चारा काटने की मशीन और थोड़ा सा चारा रखा है। ये वही घर है जहां से अब एक अधिकारी निकलने वाला है। नाम है पवन कुमार। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बना है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी। कैसे मेहनत मजदूरी करके आपने बच्चे को पढ़ाया? हाँ, मैं मेहनत मजदूरी करके ही पढ़ाया। मनरेगा में कौन कौन काम करता था? मैं भी करती है और ये भी करती है। तो बाकी का कितने लोग हैं आपके परिवार में? एक लड़का और तीन लड़की हैं। गांव के लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए? हाँ। पहले गांव के लोग आते थे आपके घर? ना, पहले तो इतने कोई ना आवे। पहले ये गांव वाले लोग नहीं आते थे? ना, बहुत कम आवे। कल तो खुशी की सुन के सब आ रहे हैं। हाँ। सभी लोग आ रहे हैं? हाँ। बेटा ने यूपीएससी क्लियर किया है, पूरा गांव जो है? हाँ, सब खुश। बहाने हैं गरीबी, बहाने ये भी हैं कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि बुलंदशहर के छोटे से गांव के लड़के ने एक बार फिर करोड़ों लोगों का भ्रम तोड़ दिया। बुलंदशहर के थाना नरसेना ऊंचा गांव विकास खंड क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। गांव का नाम है रघुनाथपुर। इस गांव में रहते हैं किसान मुकेश कुमार। मुकेश के बेटे पवन कुमार ने सिविल सेवा पास कर ली है। हमारे साथ पवन के पापा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार राव। अच्छा मुकेश जी, कैसे आपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम किया और एक छोटा सा कमरा है उसमें पूरा परिवार रहता है? काम करी छोटे खेती में मजदूरी कर कर आए थे, अपने सभी बच्चे लग कर पूरा फैमिली उसके पैसे की बंदोबस्त कराए, उसको हर महीना पैसा दिया जाओ। और बरसात के मौसम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, मकान की स्थिति जैसी भी आपके सामने है, बारिश में सब बच्चे इकट्ठे हो जाए, एक चारपाई पे बैठ जाए, भैया रात काटनी बहुत कड़ी पड़ेगी। कभी कभी जब यहाँ ज़्यादा बारिश हुई तो खाना बनाने में प्रॉब्लम आ गई, उसको सबको देखते हुए हमने सबने भरसक प्रयास करो और लड़के ने मेहनत करी, आज सफलता। अच्छा पवन ने पढ़ाई कैसे की थी, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ कहाँ पवन ने अब तक पढ़ाई की? आठवीं तक तो पढ़ा अपने अनुसार में, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो बोले हैं स्कूल में, उसके बाद नाइन्थ में नवोदय में सेलेक्ट हो गए। इंटर करने के बाद में 2017 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया। बीए तीन साल वहाँ से करी, उसके बाद फिर जो दिल्ली जेएनयू में एक साल एमए करने के बाद में फिर वहाँ ने छोड़ दिया एमए ज्योग्राफी जो करके। बोलो मैं तो पापा आईएएस की तैयारी कर लूँ, उसने फार्म डाल दियो। मैंने कि भैया छोटी लेवल की देख कर चलते आराम से। वो नहीं मानो, बोलो नहीं मैं तो आईएएस, बचपन से ही आई है इसकी तमन्ना नहीं होगी। अब पिछली बार वो एक नंबर से फेल हो गया, फिर हमने कहा भाई हिम्मत तो ना हार रहो, मायूस क्यों है रहो, अब जब तुम ना मानो तो फार्म दोबारा डाल। उसने फार्म डालो, अब के नंबर आ गया, कामयाबी मिल गई। कल उसने दोपहर हमें फ़ोन पे बताया कि पापा मेरा नंबर आ गया 239 नंबर रैंक आई। मेरी खुशी हुई जब से फिर आप सभी लोग मीडिया पर बाहरी गांव बस्ती के समाज के सभी लोग बधाई देने आ रहे और सबके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। पवन के पिता मुकेश और माता सुमन मनरेगा मजदूर हैं। सबसे बड़ी बहन गोल्डी
और दूसरी बहन सृष्टि ने बीए कर रखी है। सबसे छोटी बहन सोनिया 12वीं की पढ़ाई कर रही है। पवन ने 2017 में नवोदय स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की थी। इसके बाद इलाहाबाद से बीए किया, फिर दिल्ली एक कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विस की तैयारी की, कुछ विषयों के लिए कोचिंग ली और कई बार वेबसाइट की मदद। 2 साल कोचिंग के बाद अधिकतर समय उन्होंने सेल्फ स्टडी की। पवन कुमार के परिवार का कहना है कि तीसरे प्रयास में उन्हें ये सफलता मिली है। इस कामयाबी में उनके माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। अब तो परिवार खुश है और हर तरफ से उनके लिए बधाइयां आ रही हैं। लोकल 18 के लिए बुलंदशहर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।